बुरहानपुर में हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों ने 1 जनवरी से हड़ताल की चेतावनी दी है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त हो गए हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर ट्रक चालकों का कहना है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर के पास 10 लाख रुपये होते तो वह 300 और 500 रुपये की नौकरी ही क्यों करते, और इस प्रकार से यह कानून हमारे लिए काले कानून के समान है, जिसे सरकार द्वारा वापस अगर नहीं लिया गया तो जल्द ही हम हड़ताल करेंगे। काला कानून का विरोध करते हैं, और काला कानून विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रति उन्होंने ड्राइवर पे 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया वो गलत है, क्योंकि उसके ना अगर यदि 10 लाख रुपए रहते तो खुद का बिजनेस कर लेता, 500 रुपये 300 रुपये में ड्राइवरी क्यों कर। हम इस काला कानून का विरोध कर रहे हैं, गृह मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लीजिए और सभी भाई ड्राइवरों का ऊपर ध्यान दीजिए। लोगों पर जो कानून लागू होने जा रहा है कि एक्सीडेंट होने पर 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना, तो ये कानून जो है ये वापस करवाने के लिए हम लोग दिनांक 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस वाले, स्कूल बस, मैजिक, एपे ऑटो, सिटी ऑटो और हमारे बस के चालक, परिचालक, ट्रक वाले, आयसर वाले सभी लोग स्टेरिंग पे बैठने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।